Hello everyone, this is me Gaurav Shukla and I welcome to all of you on India's largest learning platform Unacademy. Welcome to Let's Crack BSCCSE. Guys, जो आज का टॉपिक है that is terrestrial and aquatic ecosystem. वो टॉपिक एक्चुअली है तो काफी बड़ा, अगर हम टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वो भी काफी ब्रॉड है एंड अगेन एक्वेटिक इकोसिस्टम भी काफी ब्रॉड है. बट वॉट वी आर गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए कि मैं एक्चुअली जो मतलब जो आउटलाइन है जो आपका यूपीएससी में जो क्वेश्चंस जिस जो ट्रेंड रहा है अब तक जो क्वेश्चंस पूछते रहे हैं उस ढंग से हम इस चैप्टर्स को कवर करेंगे क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इटसेल्फ बहुत बड़ा चैप्टर है. तो हम क्या करेंगे कि जो ट्रेंड है जहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं वो पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, राइट. तो आज का जो मेन्यू है, आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कवर करेंगे. उसमें जो मेन है आपका एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फिर आपका ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम है और फिर आपका डिजर्ट है. उसके बाद फिर अगर टाइम रहा तो फिर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम को कवर करेंगे, राइट. तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे पोर्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे जो ट्रेंड रहा है जिससे यूपीएससी जिस ढंग से जहां से क्वेश्चंस रेज करती है. तो उसमें आपका एनसीईआरटी भी हो गई, बरूसिया की भी बुक हो गई, वहां से भी रेज करते हैं, वहां एक टेबल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर आपका एक ये शंकर की बुक, राइट. तो दिस इज अबाउट मी गौरव शुक्ला, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एसबीटीआई कानपुर इन ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 इयर्स एंड ऑथर ऑफ एयर पब्लिकेशन. गाइज, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है किसी भी मैटर से रिलेटेड, चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड कोई मैटर हो, आपके कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो, या फिर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड कुछ जानना हो तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं. इन सेम वे लेट्स क्रैक यूपीएससी आपका टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इस जगह पर टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं. पीडीएफ आपको वहां लेट्स क्रैक यूपीएससी वहां पर आपको मिल जाएगा या फिर यहाँ इस चैनल पे टेलीग्राम, राइट. तो गाइस, शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सीएससी इन 10 ये एक न्यू चैनल है जो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लॉन्च किया है. ये 10 मिनट्स का है, बेसिकली इट इज ए बिट साइज्ड वीडियो है. व्हाट डज इट मीन, इट मींस आपको जो भी वीडियोस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, दैट विल बी क्रिप कंसाइज एंड टू द पॉइंट्स. सारे जो भी टॉपिक्स होंगे वो छोटे छोटे बाइट्स के फॉर्म में होंगे और वो जो बाइट होगा वो आपको क्या होगा कि वो एक कंसाइज वे में रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, मतलब वो पोर्शन वो इतना मेन जो आपके लिए जरूरी है. तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को इस अनअकैडमी चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, यूपीएससी सीएससी इन 10. इन द सेम वे आपको अनअकैडमी ने 5 एक्सक्लूसिव बैचेस लाया है फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, यूपीएससी सीएससी 2021. गुड इवनिंग एवरीवन. तो ये आपका 5 एक्सक्लूसिव बैचेज है फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी 2021. आपके बाइलिंगुअल बैचेज कोर्सेस है, हिंदी बैचेज कोर्सेस है, इंग्लिश बैचेज कोर्सेस है. आप कोई अगर वर्क करता है, कोई जॉब करता है, उसके लिए लेट नाइट बाइलिंगुअल बैच कोर्सेज है. तो उसमें क्या आपके लिए फुल सिलेबस का कवरेज है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है आपके लिए 24/7, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी. और इसके अलावा फिर आपके लिए ये जो एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए मॉक टेस्ट है, जो लोग इस साल पेपर देने जा रहे हैं, जो अपने आप को जानना चाहते हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, 25th में को एक पेपर बचा है, आप लोग इसको मॉक टेस्ट पेपर दे करके खुद को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं. आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको लिए ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, उसके लिए डिफरेंट आपके लिए 5 बैचेज हैं जो अभी मैंने बताया, आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं, आप डेली लाइफ इंटरेक्ट कर सकते हैं. आपके लिए जो 1 ईयर का कोर्स है उसकी जो टोटल पेबल अमाउंट है दैट इज 40,000. अगर आप लोग ये कोड GS10 कोड अगर आप लोग रिफरल ये कोड यूज करते हैं देन यू हैव टू पे 36,000. और गाइज, एक बार जुड़ते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम कहीं पर भी किसी से भी आती है यू कैन आस्क. और फिर उसके बाद 2 ईयर्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 48,000 है. और अगर आप ये GS10 कोड यूज करते हैं देन यू हैव टू पे जस्ट 43,200. आपको इतना पे करना होगा 43,200,
जो कि अगर आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स 2021 या 2022 में के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, तो वो लोग इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं GS10 और यू विल गेट 10% आपको तुरंत डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो गाइज आज का ये शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइज हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम हम लोगों ने अब तक पढ़ा, इकोसिस्टम के फंक्शन को भी जाना, इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में जाना कि जैसे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रहते हैं, एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो जो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और जो वो आपका इन्वायरमेंट से जो एबायोटिक फैक्टर है, जो एबायोटिक फैक्टर्स है मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनसे जो इंटरेक्शन करते हैं, तो इस पूरे को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। तो ये आपका इकोसिस्टम हुआ। यस, यू विल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस भी कर रहा हूं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, डोंट वरी। तो अब इकोसिस्टम को आप लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। एक टेरेस्ट्रियल है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर आपका एक्वेटिक है, फिर मैन मेड है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट में, जो आपका लैंड पार्ट में जो भी इकोसिस्टम डेवलप होता है उसको गाइस हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, तो वो जो इकोसिस्टम है जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पार्ट में बनता है दैट इज कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसी ढंग से एक्वेटिक मतलब जो आपका वाटर में जो हाइड्रोस्फीयर जो हाइड्रो पार्ट में जो सिस्टम एस्टेब्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग गाइस फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वन इज नॉन सेलाइन वाटर मतलब जिसमें सेलिनिटी की बहुत कम कंपोजिशन हो, जिसमें जो सेलाइन जो होते हैं जो मिनरल्स होते हैं उनका कंपोजिशन कम हो तो नॉन सेलाइन वाटर, और जिनमें कंपोजिशन ज्यादा हो सेलाइन वाटर। तो जितनी भी जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वाटरफॉल हो गया, तो ये आपका नॉन सेलाइन हुआ। और वही सेलाइन में आपका सेलाइन लेक भी होता है, एस्चुरीज भी होता है, ओशियंस भी होता है, तो दैट इज एक्वेटिक। इसके अलावा एक अलग से इकोसिस्टम है दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब मैन मेड इकोसिस्टम है, जैसे फार्म लैंड है, अगर कोई एक फार्म लैंड आपने क्रिएट किया है तो वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ। उसी ढंग से एक्वेरियम है, आप लोग देखते होंगे घर में फिश और उसकी सारी चीजें रखी होती हैं, तो पूरा का पूरा एक्वेरियम आपका एक इकोसिस्टम हुआ दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है मेरीन इकोसिस्टम। अगर आप देख रहे होंगे कि एक्वेटिक का अगर यहाँ पार्ट में देखें तो ये आपका नॉन सेलाइन वाटर हुआ, सेलाइन वाटर हुआ, तो सेलाइन वाटर में आपका एक मेरीन इकोसिस्टम है, ओशियन है, ये एक तरह से एक्वेटिक का पार्ट है। एक्वेटिक में कुछ भी हो सकता है, आपका लेक भी हो सकता है, आपका वाटरफॉल भी हो सकता है, आपका ओशियन भी हो सकता है, और आपका जो आर्टिफिशियल है वो आपका एक्वेरियम हो गया, स्पेसशिप हो गया, तो ये चीजें हुई। अब जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है उसको एक और तरीका है उस ढंग से भी, मतलब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डिजर्ट है, टुंड्रा भी है, माउंटेन्स भी है। तो मेन आपका जो है एक फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, डिजर्ट है, एक इस ढंग से है। एक्विटिक इकोसिस्टम जो आप अभी मेरे से पूछ रहे हैं कि एक्विटिक इकोसिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज मैरीन इकोसिस्टम, वन इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है मतलब जहां पे सेलिन कंपोजिशन बहुत कम है वो फ्रेश वाटर सिस्टम हुआ, जैसे माउंटेन से मान लो कि रिवर फ्लो कर रहा है या कहीं पे वाटरफॉल है। मैरीन इकोसिस्टम है आपका, मैरीन इकोसिस्टम अगर पूरा का पूरा जैसे ओशियन है तो दैट इज मैरीन इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है आपका मैरीन इकोसिस्टम, राइट। अब हम शुरू करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। गाइज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में गाइज देखो दो तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगी यहां पर। एक जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका जो पैटर्न वर्ल्ड लेवल पर है, वर्ल्ड लेवल पर पैटर्न है उस पे क्वेश्चन पूछती है। दूसरा एक है आपका इंडिया लेवल पे। तो गाइस जो वर्ल्ड लेवल पर अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो अलग अलग है उस पे ज्यादातर जो क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे गए हैं वो केवल कंडीशंस पे पूछे गए हैं, मतलब कि टेम्परेचर कितना होती है, बारिश कितना होती है, रेनफॉल कितना है, और आपका
सन एनर्जी उस जो कंडीशंस होती है उस पर पूछे जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और वहीं इंडिया लेवल पर वो फ्लोरा और फना के बारे में पूछ लेते हैं। तो हम गाइस इसी ढंग से इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। हम जब वर्ल्ड का पूरा ओवरऑल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें हम पूरे वर्ल्ड के जो मेन मेन प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बता देंगे वहां पर कि हाँ ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, तो इस वजह से ये इकोसिस्टम है। जब इंडिया का पढ़ेंगे, अभी इंडिया का एक पूरा का पूरा मैंने टेबल है जो बरूचा बुक से डायरेक्टली मैंने वहां से लिया है, वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो इंडिया में जो आपका टेरिस्ट्रियल जैसे इकोसिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंडिया का, तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि जो इंडियन जो फॉरेस्ट सिस्टम है कहां पर कौन से आपके एनिमल्स होते हैं, कौन से क्रिटिकल इंडेंजर्ड होते हैं, कौन से अदर स्पीसीज होते हैं। तो इस ढंग से हम देखेंगे, तो इस चश्मे से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक सबसे पहले टुंड्रा देख लेते हैं। टुंड्रा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टुंड्रा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टुंड्रा का मतलब होता है बैरन लैंड। टुंड्रा जैसे है इकोसिस्टम, टुंड्रा का मतलब बैरन लैंड, मतलब ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जो बहुत सीवियर हो, बहुत सीवियर इन्वायरमेंट कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्कटिक रीजन में चले जाइए, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है कि लिविंग रहने के लिए बहुत सीवियर कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, तो वो टुंड्रा इकोसिस्टम हुआ। टुंड्रा के दो पार्ट है, एक आर्कटिक है जो आर्कटिक वाला रीजन है, दूसरा एल्पाइन। एल्पाइन मतलब जो माउंटेन है, माउंटेन्स में भी बहुत हाइट पर अगर जाए तो वहां पर भी आपका हार्श इकोसिस्टम है। तो यस, आर्कटिक एंड एल्पाइन। अब आर्कटिक का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो आपका पोलर आइस कैप हो गया, जो आपका कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, यूरोपियन रशियन, ये सारा का सारा जो है पोर्शन वो आपका आर्कटिक टुंड्रा होगा। तो मोस्ट ऑफ द जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर आपका थोड़े बहुत मतलब वहां पे लैंड है, तो वहां पर तो आपका आर्कटिक है, बट अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में बिल्कुल हार्श कंडीशन पे जाए तो ज्यादातर पार्ट आपका ओशियन से कवरेज है, ज्यादातर पार्ट उसका आपका ओशियन से कवरेज है। तो ये आपका टुंड्रा है। तो टुंड्रा में एक आपका आर्कटिक हो गया, दूसरा एक होता है गाइस अल्पाइन। अल्पाइन मतलब जो हाई माउंटेन्स पे जो कंडीशंस है, जो हाई माउंटेन्स पे जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप है, तो वो आपका हो गया अल्पाइन। अल्पाइन में आपका ये कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रेनडियर हुआ, मस्क हुआ, और फिर ये आर्कटिक में आर्कटिक हेयर, कॉर्वियस, ये सारे के सारे वहां के फ्लोरा है फना, और फिर फ्लोरा आपका ये ग्रास हो गया, ड्वार्फ हो गया, ये सारे चीजें वो है फ्लोरा। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम केवल कंडीशंस पे जा रहे हैं कहां पे कौन से फ्लोरा और फना है। इंडियन परस्पेक्टिव से आपको क्वेश्चन पूछेगा उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन वर्ल्ड परस्पेक्टिव से इससे रिलेटिवली क्वेश्चन नहीं जनरली पूछता यूपीएससी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक टुंड्रा इकोसिस्टम हुआ। सेकेंड आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। गाइस जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसको अगर हम लोग दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हुआ, एक आपका लिविंग कंपोनेंट्स हुआ। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होता है, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो जो नॉन लिविंग कंडीशन जिसको एबायोटिक कंडीशन होता है, उसका मतलब यह है कि अगर फॉरेस्ट माउंटेन में है, मान लो फॉरेस्ट माउंटेन में है और एक फॉरेस्ट हिल पे है और एक मान लो फॉरेस्ट रिवर के किनारे है, तो ये जो तीनों अलग अलग फॉरेस्ट होंगे, मतलब वहां का जो इकोसिस्टम होगा वो अलग होगा, वहां का जो इकोसिस्टम हिल के पास होगा वो अलग होगा, और जो 6 PM पे स्टार्ट है क्लास, 6 PM पे स्टार्ट है क्लास। तो मतलब बताने का ये कि इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हम टाइप पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम या कोई भी इकोसिस्टम कैसा होगा ये डिपेंड करता है बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। तो जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम लिए तो एबायोटिक फैक्टर अगर माउंटेनी रीजन है तो वहां पे अलग रहेगा, हिल्स रीजन है वहां पे अलग रहेगा, रिवर वैली है तो अलग रहेगा, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। सेम ढंग से अलग अलग बायोटिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय के अपर रीजन में जाएंगे तो आपको कोनीफेरस ट्री मिल जाएंगे, मैंग्रोव आपको रिवर जो डेल्टा वाला रीजन है वहां पर आपको मैंग्रोव मिल जाएंगे, और फिर आपका
जो एरिड रीजन है वहां पे थोन ट्री मिल जाएंगी। तो बताने का अल्टीमेटली आइडिया ये है कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो जो दोनों फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करता है कि वो इकोसिस्टम कैसा होगा, कैसे स्पीसीज वहां पे मिलेंगे और कैसा वहां का फ्लोरा होगा, राइट। देखो आर्कटिक एल्पाइन, मैंने आपको बताया कि टुंड्रा के दो पार्ट है, टुंड्रा का एक पार्ट है आर्कटिक और टुंड्रा का दूसरा पार्ट है एल्पाइन। तो जो टुंड्रा मतलब बैरन आइलैंड होता है, मतलब बैरन लैंड जहां पे हार्श कंडीशन हो इन्वायरमेंट का, तो जो आपका आर्कटिक है वो आपका जो पोलर रीजन है वहां पर जो इकोसिस्टम है उसको आर्कटिक बोल देते हैं। अल्पाइन मतलब जो माउंटेन्स पे, जो हिली रीजन पे वहां पर जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसको एल्पाइन बोल देते हैं, राइट। तो ये आपका डिफरेंस है। अब आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है अगर वर्ल्ड में हम लोग डिवाइड करें तो ये तीन टाइप से डिवाइड है। वन इज कोनीफेरस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है। सेकंड इज टेम्परेट है, थर्ड इज ट्रॉपिकल है। मतलब आप ऐसे समझे कि अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका जीरो डिग्री है, तो यहां से जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला रीजन आपका ट्रॉपिकल हुआ, यहां तक जाएंगे तो आपका टेम्परेट हुआ और इधर का रीजन फिर आपका पोलर। तो यहां का जो फॉरेस्ट होगा उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे, फिर टेम्परेट, फिर कोनीफेरस। मतलब इस ढंग से ये वेरी करता है। नॉर्थ टू साउथ जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होता है, गाइस हमने अगेन बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम लोग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कोनीफेरस फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है। तो दो तीन पॉइंट्स हैं वो यहां पर जो फ्लोरा फना वो लिखा है वो आप बाद में देख सकते हैं, पर जो दो तीन पॉइंट्स है, सबसे पहले सॉयल की बात कर लें। जो कोनीफेरस फॉरेस्ट है उसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये जो सॉयल होता है ये थिन होता है और पुअर भी होता है, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं रॉक्स की वेदरिंग कोल्ड इन्वायरमेंट में बहुत कम हो जाती है। जब रॉक्स की वेदरिंग कम हो जाएगी तो जो सॉयल होगी, सॉयल की फॉर्मेशन हायर थिक लेवल का सॉयल नहीं बनेगा, सॉयल हल्के लेवल का बनेगा। तो सॉयल की कोल्ड जब कंडीशन आती है तो रॉक की, भाई देखो ये रॉक को वेदरिंग करता कौन है, रॉक को वेदरिंग जैसे लाइकेन हो गया, वो एसिडिक एसिड जब वो करता है डिजॉल्व करता है रॉक को, तो उसकी वेदरिंग होती है, फाइनली वो सॉयल फॉर्म हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि जब हार्श कंडीशन होती है, बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट होगा, तो वहां पे वेदरिंग उस ढंग से हो नहीं पाती है, उस ढंग से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डीकम्पोजर है उस ढंग से वेदरिंग कर नहीं पाते। उस ढंग से फिर क्या होता है, जो सॉयल होता है वो थिन हो जाती है, ठीक है, वो थिन सॉयल हो जाती है बोरियल फॉरेस्ट का। ये एक पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट है गाइज कि ये प्रोडक्टिविटी और जो स्टेबिलिटी है बोरियल फॉरेस्ट का वो बहुत लोअर है than any other forest ecosystem। दोनों लेक्चर्स मिलेगा आपको, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। आप रिंगो अगर आप ज्वाइन करते हो तो दोनों लेक्चर्स हैं, जो 80 प्लस टॉप एजुकेटर्स, सारे जितने भी सेशंस, जितने भी क्लासेस चल रहे हैं आप सबका लाइव ले सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जितने भी कोर्स हैं, चाहे प्री का चल रहा हो, चाहे मेंस का चल रहा हो, चाहे फिर रिगार्डिंग इंटरव्यू या एसे राइटिंग का, जितने भी कोर्स, जितने भी टीचर ले रहे हैं, सबकी आप क्लासेस लाइव भी ले सकते हैं, वो रिकॉर्ड भी रहता है, बाद में आप रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट हुआ। तो मेन आपको बस पॉइंट पता होना चाहिए कि सॉयल क्या है, वहां की कंडीशन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। तो प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी इसका लोअर होता है किसी भी अदर फॉरेस्ट इको सिस्टम से। अब आते हैं टेम्परेट पे। मैंने बताया कोनीफेरस फॉरेस्ट, अब टेम्परेट है, फिर ट्रॉपिकल। तो टेम्परेट में दो तीन टाइप है, एक है टेम्परेट आपका डेसिड्यूअस फॉरेस्ट है, एक आपका टेम्परेट डेसिड्यूअस है, फिर टेम्परेट आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है और फिर टेम्परेट आपका रेन फॉरेस्ट है। तो टेम्परेट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां का जो टेम्परेट रीजन में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। टेम्परेट रीजन में तीन फॉरेस्ट हुए, आपका डेसिड्यूअस हुआ, फिर आपका एक रेनफॉल वाला, वो सारे फॉरेस्ट। तो पहला जो फॉरेस्ट है टेम्परेट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है गाइस, जो प्रेसिपिटेशन है वो इट इज फेयरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ये एक पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सॉयल होता है वो फेयर होता है, मतलब ठीक ठाक सॉयल होता है, जो सॉयल का जो थिकनेस है ठीक ठाक होता है, क्योंकि वो एकदम हार्श कोल्ड कंडीशन नहीं है कोनीफेरस की जो है, तो सॉयल उसका पोडोजोलिक होता है,
कभी हम लोग सॉइल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो सॉइल्स के टाइप्स को भी सारे जो लेयर्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इतना है। तीसरा एक है कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जो लीव्स होते हैं वो शेड करते हैं, लीव्स क्या करते हैं मतलब फॉल होते हैं, वो अपनी लीव्स को फॉल करते हैं और नया अपना नया स्प्रिंग में वो फिर से आते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब ओवर विंटर के बाद में आपका जो ट्रीज होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं नीचे गिरते हैं और फिर स्प्रिंग जो आपका होता है फिर से आपके पत्ते वापस से लगते हैं। तो ये आपका टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट है गाइस, फिर से आपको बता रहा हूं कि वर्ल्ड वाला जो वर्ल्ड वाला पढ़ रहे हैं अभी इंडिया वाला देखेंगे। वर्ल्ड वाला में आपको केवल कंडीशंस पता होनी चाहिए कहां पे कैसी कंडीशंस है, बाकी जो फ्लोरा और फना जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम का, तो अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा टेम्परेट फॉरेस्ट का एक दूसरा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका एग्जांपल है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या प्रॉपर्टीज है कि ये क्या होती है कि ड्राई समर होता है और मोस्ट विंटर होता है, मतलब विंटर में बारिश होती है, वार्म ड्राई समर हुआ एंड आपका विंटर आपका कूल एंड मोस्ट विंटर हुआ, तो ये आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ। यहाँ पर लो ब्रॉड लिफ्ट एवरग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं। लास्ट एक आपका टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर रेनफॉल है इतनी होती है कि इसको मार्क किया जा सके, और यहाँ पर देखो रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई होता है और फॉग भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एक तरह से टेम्परेट में ऐसा रीजन जहां पर रेन काफी ज्यादा होता है वहां का जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग गाइस बोलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो ये तीन टाइप हो गए आपका, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हुआ, फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ, फिर आपका टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हुआ। अब यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द बायोटिक डायवर्सिटी ऑफ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज हायर एज कंपेयर टू अदर टेम्परेट फॉरेस्ट, हाउएवर द डायवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मच लोअर एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इक्वेटर के पास जो रीजन है वहां पर जो डायवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको प्लांट मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, आपको एनिमल्स मिलेंगे। पर जो टेम्परेट वाला फॉरेस्ट है उसकी जो डायवर्सिटी है ट्रॉपिकल से कम है, लेकिन जो टेम्परेट में तीनों है आपका, एक टेम्परेट डिसिड्यूस हुआ, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, तो जो तीसरा वाला टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है बाकी दो से ज्यादा यहाँ पर बायोटिक डायवर्सिटीज है, तो ये आपका टेम्परेट हुआ। अगेन अब हम लोग आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो डिफरेंस मैंने बताया ना आपको, डिफरेंस मैंने बताया टेम्परेचर के टर्म में बताया कि टेम्परेचर कैसे, जैसे टेम्परेट जो आपका रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, फॉग की कंडीशन होती है, जो आपका टेम्परेट डिसिड्यूस है वहां पर एक लिमिटेशन है बारिश का बहुत कम, और जो आपका ये एवरग्रीन है ये मेडिटेरियन टाइप का जहां पर विंटर में बारिश होती है। तो इस ढंग से हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इतना ही अभी, इसमें क्या है कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाला जो आएगा तो इसमें हम लोग फ्लोरा और फौना को भी देखेंगे। अब उसी ढंग से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनुअल रेनफॉल गाइस होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सीड कर सकता है, कर जाता है, और इट इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होती है, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है ये हाई रहता है, मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है, फ्लोरा भी हाईली डाइवर्सिफाइड रहता है। और मैंने एक चीज और बताया कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हॉट रीजन है, डीकम्पोजिशन बहुत ज्यादा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कंडीशन सीवियर नहीं होती है, तो जो सॉयल का लेवर वो काफी थिक होता है। अभी हम लोगों ने टेम्परेट में देखा है, कोनीफेरस में देखा, कोनीफेरस में सॉयल का लेवल थिक नहीं था, थिन था, बट ट्रॉपिकल में आपको सॉयल का लेवल ठीक मिलेगा। अंतर आप लोग समझते चलिए, जैसे सॉइल में क्या अंतर आ रहा है, कोनीफेरस का सॉइल बहुत थिन है, क्यों थिन है, क्योंकि कोल्ड कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, उस ढंग से जो रॉक्स है उस ढंग से उनको डिकम्पोज या उस ढंग को गलाया नहीं जा पा रहा है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढंग से एक्टिव नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेट में आया, तो थोड़ा सा जो सॉइल का लेवल है और थिन हो गया, थोड़ा सा और मोटा हो गया, और जैसे ही ट्रॉपिकल रीजन में आया तो सॉइल का लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुली एक्टिव है, तो सॉइल काफी आपका थिक हो गया, राइट। तो ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ। फिर आपका दूसरा आता है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट है, सीजनल से नाम क्लियर हो रहा होगा,
कि सीजन वाइज बारिश होती है, मतलब वेट पीरियड होता है, ड्राई पीरियड होता है। ऐसा फॉरेस्ट जहां पर एक कुछ समय के लिए बारिश होती है और कुछ समय के लिए ड्राई रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में आप देख लें तो इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि जो आपका जुलाई ये वाला टाइम पीरियड है मानसून पीरियड है, फिर विंटर सीजन आता है, फिर आपका समर सीजन आता है। उसी ढंग से जो ये सीजनल फॉरेस्ट है उस रीजन में, ऐसे रीजन पे फॉरेस्ट, ऐसे ट्रॉपिकल रीजन पे फॉरेस्ट जहां पर वेट एंड ड्राई पीरियड हो, तो उसको गाइज हम लोग ट्रॉपिकल, यस ट्रॉपिकल इज क्लोज टू इक्वेटर। पहले इक्वेटर है, इक्वेटर के बिल्कुल पास ट्रॉपिकल है, फिर उसके ऊपर टेम्परेट है और फिर आपका उसके ऊपर कोनीफेरस आ जाता है जो कोनीफेरस फॉरेस्ट है। तो ये आपका ट्रॉपिकल सीजनल हुआ। फिर एक आपका सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ। सब ट्रॉपिकल मतलब ऐसे समझो कि ट्रॉपिकल जो रीजन है राइट, ये आपका जीरो डिग्री है तो ये यहां तक आपका, ये आपका इधर ट्रॉपिकल रीजन हुआ। और फिर आपका टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में जो एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड है उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका ईपी फाइट्स पाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एनिमल लाइफ है ऑलमोस्ट आपका सिमिलर होता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, बट यहाँ पर ये जो ये फ्लोरा एपीफाइट्स ये कॉमन है यहाँ पर। अब आते हैं इंडियन फॉरेस्ट। गाइस जो इंडियन फॉरेस्ट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। एक्चुअली डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है, बट गाइस सिर्फ इस एक, ये जो चार्ट दिया है गाइस, सिर्फ इस एक चार्ट से यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ इसी चार्ट से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना यह है कि ये जो चार्ट अगर आप देख रहे होंगे कि एक तरफ फॉरेस्ट टाइप है इंडिया में, अलग अलग टाइप से, ये बरूचा से दिया है, कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं किस किस टाइप में, कौन कौन से कॉमन एनिमल हैं, कॉमन मतलब जो कॉमन होते हैं, और कौन कौन से रेयर एनिमल्स हैं, वो सारे दिए हुए हैं। मोर और लेस आपको ये एनिमल्स पता होना चाहिए। अच्छा, जो रेयर एनिमल्स हैं उसमें जैसे इंडेंजर्ड आते हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड आते हैं, वो फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट पहले आपको ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि जो कॉमन एनिमल्स हैं वो कौन से हैं और कौन से रेयर एनिमल्स हैं। कभी कभी जो इंडेंजर्ड है उनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रेड डेटा बुक को जब हम लोग पढ़ेंगे, रेड बुक, तो हम उसमें हम लोग उसको देखेंगे। बट अभी के लिए गाइस आपको अभी के लिए पहले ये सारे के सारे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। रुचक बुक में दिया है कि हिमालयन में जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग हिमालयन कोनीफेरस बोलते हैं। ये आपको एज इट इज इसको दो बार तीन बार चार बार देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए, हो जाएगा कि पाइन देवदर है, ये प्लांट्स के एग्जांपल है जो हिमालयन कोनीफेरस है, और वाइल्ड गोट्स यहाँ पे कॉमन एनिमल्स हैं, शिप्स आपको मिल जाएंगे, हिमालयन ब्लैक बियर्स मिल जाएंगे। और जो रेयर एनिमल्स हैं, जो थोड़ा सा क्रिटिकल एनिमल्स हैं, वो आपका स्नो लेपर्ड है, एंगुल हो गया, हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, मस्क डियर हो गया, हिमालयन वोल्फ हो गया, ये आपको पता होना चाहिए रेयर। तो आपको दो बार तीन बार चार बार इस चार्ट को, चाहे तो आप लोग अभी पीडीएफ रहेगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जहां पे पढ़ते हैं स्टडी करते हैं वहां पर सामने लगा लीजिए। ये क्या करेगा, आपको गाइड करेगा। यूपीएससी में क्या होता है कि देखो आपको क्वेश्चन पूछना तय है, आपसे फ्लोरा एंड फौना से क्वेश्चन हर साल पूछता है, कभी वो बहुत ही टफ पूछ देता है, कभी बहुत इजी पूछता है, कभी मॉडरेट पूछता है। तो देखो जो इजी और मॉडरेट है वो तो आप आसानी से कर लोगे, वो आपके कंट्रोल में है, वो कर लोगे, बट जो आपका बहुत ज्यादा जो टफ वाला जो क्वेश्चन होगा, जो टफ वाला होगा, वो क्या होता है कि आपका लक है अगर हो पाता है या नहीं हो पाता। तो आपको ये चार्ट आपको याद रखना है, इसमें जितने जितने फॉरेस्ट टाइप हैं, आपका हिमालयन ब्रॉड लिव्ड हो गया, ये मेपल हो गया, ओक हो गया, फिर एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न घाट हुआ, यहाँ पर ये सारी चीजें पाए जाते हैं। कॉमन एनिमल्स आपको टाइगर मिल जाएगा, ये सारी चीजें कॉमन एनिमल्स हैं। रेयर एनिमल्स आपको पिग्मी ऑग मिल जाएगा, राइनो मिल जाएगा, लॉन टेल्ड मस, ये आपको मिल जाएगा एवरग्रीन जो आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। फिर आपका डिसिडियस है जो कि ड्राई रीजन है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वहां का जो प्लांट्स है वो टीक वगैरह है। फिर ये आपके सारे जो बार्किंग डियर्स वगैरह है वो इस रीजन में पाए जाते हैं। मोस्ट रीजन जो डिसिडियस का है, जो जहाँ पे बारिश होती है थोड़ी ज्यादा, वहां पे साल वगैरह है। फिर आपका थोन एंड स्क्रब रीजन हुआ जो सेमी एरिड रीजन है, फिर मैंग्रोव। तो ये गाइस आपको याद रखना है, आपका जैसे थ्रोन स्क्रब सेमी एरिड फॉरेस्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका जो बास्टर्ड है वो पाया जाता है, आपका ब्लैक बैग चिंकारा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। आपका जो मैंग्रोव डेल्टा रीजन है वहां पर आपको क्रोकोडाइल मिल जाएगा, आपको
सैंड पाइपर्स, ये सारी चीजें मिल जाएगी, वाटर मॉनिटर डिजायर्ड ये आपको मिल जाएगा। तो गाइज आप लोगों को ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के चार्ट हैं, इसमें मेरे को बस आपको ये जो बताना वही बताना है कि ये टाइप्स है, इससे ये स्पेसीज है, आप दो बार तीन बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। यूपीएससी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी और फिर पूछेगा, अगेन आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बच नहीं सकते। इसको आप लोग कहीं पर चिपका के याद कर लीजिए। ये उसी ढंग से ये यहाँ पे प्लेसेस दे रखे हैं कि जो हमारा वेजिटेशन है ये अलग अलग है, ये कलर के अकॉर्डिंग है, जैसे ट्रॉपिकल मोस्ट डिसिडियस है, ये पूरा रीजन आपका ट्रॉपिकल मोस्ट डिसिडियस है, फिर आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, ये रीजन वेट एवरग्रीन है, ये सारे रीजन वेट एवरग्रीन है। तो ये लोग आप लोग एरिया में देख सकते हैं, मेनली आपको एरिया ज्यादा वो पूछते हैं कि कौन सा फ्लोरा है कौन सा फना है, उससे आपको इसके बारे में वो ज्यादा पूछते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, मेंस में क्वेश्चंस इस पे बनेगा, आप लोग जैसे जब पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो इरोजन होता है उसको ये कंट्रोल करता है, आपको क्लीन एयर देता है, जितना ज्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ज्यादा क्लीन एयर होगा, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, हैबिटेट हो गया, टिम्बर हो गया। अच्छा, इसके साथ एक फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो अभी इस टॉपिक में तो कवर नहीं कर पाया हूं क्योंकि इस टॉपिक में नहीं है, उसको मैं बहुत जल्दी, जो रिसेंट वाला स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे कि कौन से स्टेट में कितना परसेंट फॉरेस्ट है और क्या नया उसमें चेंजेस है, राइट। अच्छा, तो ये आपका हो गया फॉरेस्ट। अब एक अगला आता है ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। गाइस, जो ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम आता है, जो देखो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे ज्यादा तो यही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें सारा याद रखना है, खासकर ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज है इसमें आपको कॉमन एनिमल एग्जांपल्स ये याद रखनी है सबका, बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, दो बार तीन बार इसके मेन मेन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बार्किंग डियर पूछ लेगा कहां पर मिलता है या चिंकारा कहां पर मिलता है और ये कॉमन एनिमल है कि रेयर एनिमल है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये इसलिए मैंने इंफेसाइज कर दिया कि आप इस चार्ट को लगा करके बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कंटिन्यू इसको एक लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, अच्छा एक और चीज बोला जाता है, जैसे एक तरफ आपका हो गया, एक तरफ हो गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ, दूसरी तरफ डिजर्ट हुआ, इधर का ये जो एक तरह से ट्रांजिशन जोन हो गया इसको आप लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल है ऑलमोस्ट होता है, जो कि ट्रू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बड़े बड़े ट्रीज को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है बट जो ग्रासेस हैं, छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं, उनके लिए ये सपोर्ट करता है। अच्छा, हिमालय में मेनली फाउंड होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो और तरीके से इंडियन ग्रासलैंड को कंपोज कर सकते हैं, वन इज स्टेपी एंड अनदर इज सवाना। जो इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या स्टेपी क्या सवाना है। तो गाइस, जो स्टेपी है, स्टेपी क्या करती है, ये तरह से जो चारा है, जो फूड है, वो प्रोवाइड करती है वेट सीजन में जब बारिश होती है, लेकिन जो सवाना वाला जो पोर्शन है वो केवल सारे सीजन में ग्रो करता है, वेट सीजन में भी और ड्राई सीजन में ग्रो करता है। तो ये एक स्टेपी और सवाना, जो इंडिया वाला है उस पर मैं बता रहा हूं, बाकी अभी हम लोग सवाना और स्टेपी को जो वर्ल्ड के रूप में है उसको भी देखेंगे उस फॉर्म में। तो ये कंडीशन है, जैसे स्टेपी वाला पूछ ले कि स्टेपी वाला ग्रास कहाँ पे मिलता है, तो आपको वेस्टर्न राजस्थान में मिल जाएगा और आपका ये सारे सॉइल के एक्सपोजर है उसी ढंग से आपको वहां पे वो मिल जाएगा। जो सवाना है जहां पे वेट एंड ड्राई दोनों तरह का सीजन हो वो आपका सवाना वाला मिल जाएगा। अच्छा, अब जो ग्रासलैंड का इंडिया में डिवाइड है, जो मेन चार टाइप्स इंडिया में ग्रासलैंड को डिवाइड किया गया है वो इस तरह से डिवाइड किया गया है, एक ड्राई सब ह्यूमिड रीजन है, एक सेमी एरिड रीजन है, एक मोस्ट सब ह्यूमिड रीजन है और एक आपका ह्यूमिड माउंटेन रीजन है। तो ड्राई का मतलब आपका ड्राई रीजन है, ड्राई का मतलब, हाँ उसको इको टोन बोल देते हैं, उसको इको टोन बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन जोन होता है आपका, दो डिफरेंट इको सिस्टम का ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम लोग इको सिस्टम इको टोन बोल देते हैं। तो मतलब समझाने के लिए कि जैसे आपका ओशियन हो गया, ओशियन से आप जब टेरिस्ट्रियल में आ रहे हैं, मेरिन से टेरिस्ट्रियल में, तो आपका मार्शी लैंड मिला आपको, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया एक तरह से इकोटोन। उसी ढंग से एक तरह से इकोटोन हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ और दूसरी तरफ आपका हुआ डिजर्ट, उसके बीच में ग्रासलैंड है,
तो ये इग्नोरेंस है, इसको भी हम लोग इक्वल रूम कर सकते हैं। तो ये आपका गाइस ड्राई सब ह्यूमिड जोन हुआ, ये आपका मेनली गुजरात राजस्थान ये सारे पोर्शन को कवर करता है, दिल्ली के पोर्शन को। जो सेमी डेरी रीजन है ये एक तरह से पेनिनसुलर इंडिया पूरा कवर करता है एक्सेप्ट नीलगिरी, नीलगिरी को छोड़ करके बाकी सारा रीजन कवर करता है। और जो मोस्ट सब ह्यूमिड रीजन है आपका गंगा एल्यूवियल प्लेन ये सारा हुआ, ह्यूमिड माउंटेन रीजन ये बेसिकली जो हिली एरियाज है जो माउंटेन रीजन है वहां पर ये बात करता है, ह्यूमिड माउंटेन रीजन। तो इस ढंग से ये डिवाइड किया गया है। ये मैप में यहाँ पर देखो तीन पार्ट में डिवाइड है, एक एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन है। तो ये तीन पार्ट में है, मोटा मोटा वैसे तो छह पार्ट में डिवाइड है बट ये चार मेन पार्ट है। कि इन चार पार्ट में हम जो इंडियन ग्रासलैंड है, जो इंडियन ग्रासलैंड है उसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूछा था कि शोला ग्रासलैंड कहां पर पाए जाते हैं। तो शोला ग्रासलैंड कहां पर पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शोला ग्रासलैंड बेसिकली पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि शोला ग्रासलैंड कहां पर है, तो इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न ग्रासलैंड, ये आपको वेस्टर्न घाट वहां पर शोला ग्रासलैंड। अब ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग फटाफट दे सकते हैं कि अगर हम पूछ लें कि जो अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो भाई जो मैंने आपको बताया है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं टेम्परेट ग्रास, जो ट्रॉपिकल रीजन में है वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हुआ, जो टेम्परेट रीजन में है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अलग अलग है, तो जो अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं एनीवन। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, इसको बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। एनीवन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैंने अगर आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक लिया होगा तो मैंने कुछ बायोम्स बताए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स में मैंने बताए थे कहां पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अलग अलग नाम है, पंपास कहां पर है, प्रेरीज कहां पे, स्टेपीज कहां पे, सवाना। आप लोग उसको प्लीज फिर से देखिएगा एक बार। यस एकता यू आर राइट, सार्थक यू आर राइट, द ऑप्शन विल बी डी सवाना। आप लोगों को मैंने सारे ग्रासलैंड बताए थे तो आप लोग प्लीज एक बार उसको जरूर देखिएगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि पंपास ये वाला ग्रासलैंड कहां पर है। प्रेरीज मैंने बताया था कि ये कहां पर है, ये कैसा, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कि टेम्परेट ग्रासलैंड है ये भी बताओ, और जो स्टेपीज है इन सबके बारे में बताओ कि ये ग्रासलैंड ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट है और ये कहां पर है, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। अच्छा ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये अफ्रीका में, इसको हम लोग सवाना बोलते हैं। सूर्य प्रकाश जी ये आपका सवाना में है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, आप लोग जिनको मालूम हो तो कमेंट कर सकते हैं। पहला जैसे पंपास है, तो पंपास आपको बताना है कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कि टेम्परेट है और ये कहां पर मिलता है। उसी ढंग से प्रेरीज बताइए कहां पर मिलता है, प्रेरीज कहां पर पाया जाता है, स्टेपीज ग्रासलैंड कहां पर है, तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए फटाफट, इसको बताइए कहां पर है। उसी ढंग से ये देखो ये क्वेश्चन शोला ग्रासलैंड वाला, ये मैंने बता ही दिया कि शोला ग्रासलैंड आपका वेस्टर्न घाट में ये मिलता है। अच्छा फायर का एक बहुत बड़ा रोल है, फायर का एक बहुत बड़ा रोल ये है गाइस कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में आप लोग देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आए दिन आपका ऑस्ट्रेलिया में देख रहे होंगे कि जैसे बहुत जंगल में आग लगती है, तो जंगल में आग लगती है तो जंगल में आग लगने से होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक ग्रासलैंड है, मैंने आपको बताया था कम्युनिटी बताई थी कि जो सेरेज जो आपकी कम्युनिटीज है, जो आपका क्लाइमिक्स कम्युनिटीज होती है, पाइनियर स्पीशीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्केल होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम पे होता है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी होती है। अब ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के बाद अगली कम्युनिटी कहां क्या आएगी, कुछ सालों बाद, मान लो 100 साल 200 साल बाद उस पर्टिकुलर जगह पे आएगी फॉरेस्ट।
बट फायर क्या करता है, फायर फॉरेस्ट को ग्रो नहीं करने देता है। होता क्या है कि फॉरेस्ट अल्टीमेटली क्या करेगा, रोल फायर का देखो क्या क्या रोल है, निगेटिव भी रोल है और पॉजिटिव रोल भी है। निगेटिव रोल आपको मालूम ही होगा कि मेजर डिवास्टेशन है आपका, फ्लोरा को भी नुकसान हो रहा है, फना को भी नुकसान हो रहा है। यस यू आर राइट स्टेपी इतना, यू आर राइट यूरेशिया, यू आर राइट प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, यू आर राइट सार्थक नॉर्थ अमेरिका, यू आर राइट पंपास, यस यू आर राइट। ठीक है, तो आपका जो फायर का निगेटिव रोल है पॉजिटिव रोल है। तो निगेटिव में आपको पता ही होगा कि कहीं पर आग लग जाती है तो कितना ज्यादा नुकसान करता है। अगर मैं आपसे पूछूं फायर का पॉजिटिव रोल क्या है, तो मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव रोल क्या है। एक तो सबसे पहले जान लो कि एक इकोसिस्टम है जैसे ग्रासलैंड है। अब मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली हर एक इकोसिस्टम है उसके बाद वो चेंज होकर के अगला इकोसिस्टम आएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये आपका क्लाइमेक्स है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसको बोल देंगे हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो फायर क्या करता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। मतलब क्या होता है कि जैसे पेड़ मान लो कि बड़े होने लगे, अब मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पे जंगल में आग लग गई, तो आग लगने से क्या हुआ कि अब जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो ऐसे स्पेसीज हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं या हार्मफुल जो स्पेसीज है वो आपका उसमें नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम को वो कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ में जो हार्मफुल स्पीसीज है, ऐसे स्पीसीज है जो कि आपके वहां के जो नेटिव इंडेमिक जो स्पीसीज है, इंडेमिक जो प्लांट्स है उनको हार्म करता है, उनको ये फायर एक तरह से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हार्मफुल स्पीसीज आपके खत्म हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि फायर होने से क्या होता है कि जैसे आग लगी तो ये प्लांट्स हुआ, प्लांट्स जल के फाइनली डिकम्पोज हुआ, उसको डिकम्पोज कर लिया तो सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो जब सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज यस यस इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो फायर का रोल आप लोग समझ रहे होंगे कि फायर का रोल है, अगर किसी जगह पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था कि कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है अगर वहां पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पा रहा है तो उसमें क्या रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो उसका सबसे बड़ा एक तो रीजन है फायर, फायर की वजह से रोल लिमिटेड हो जाता है, नहीं डेवलप हो पाता। सेकेंड गाइज उसका सबसे बड़ा रीजन एक और है वाटर। भाई जब वाटर की कमी रहती है तो भाई जो जितने बड़े ट्रीज होंगे, जितने बड़े आपके ट्रीज होंगे उतना ज्यादा उनको वाटर सप्लाई उनको ज्यादा, उतना ज्यादा रूट्स को, प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट्स को उतना ज्यादा वाटर चाहिए ताकि वो फूड बना सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, राइट। तो अगर वाटर लिमिट में है, फायर आपका लिमिट में है, मतलब वाटर लिमिट में और फायर है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चेंज नहीं होने देता। तो आप लोग रोल ऑफ फायर समझ रहे होंगे कितना बड़ा रोल है, खासकर जो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। अब अगला आता है फटाफट डिजर्ट इकोसिस्टम। तो डिजर्ट इकोसिस्टम में गाइस जो रेनफॉल है, रेनफॉल जनरली ये लेस देन 25 सेंटीमीटर होता है, ये एक तरह से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका एक्चुअली है तो ज्योग्राफी का, कि आप ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, आप लोग इसको चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट कर सके तो मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपका डिजर्ट रीजन है, मान लीजिए डिजर्ट रीजन है या कहीं पे हाई टेम्परेचर है, राइट, कहीं पे हाई टेम्परेचर है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। अगर मान लीजिए किसी भी लैंड पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो होगा क्या, वहां की एयर क्या होगी, वहां की एयर क्या होगी, गर्म हो जाएंगी। जब वहां की एयर गर्म हुई तो एयर क्या करेंगी, धीरे धीरे उस जगह से ऊपर उठने लगेंगी। प्रेशर आप लोगों को मालूम होगा कि किसी जगह पे प्रेशर क्या होता है, किसी जगह पे प्रेशर की बात करते हैं तो एयर जो होती है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम अगर ह्यूमन पर बोल रहे हैं कि 1 atmospheric प्रेशर है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन पर एयर चारों तरफ से प्रेशर लगा रही है। तो जब एयर बहुत ज्यादा होगा किसी जगह पे तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा, लेकिन जब एयर वहां से नीचे से गर्म होकर के हल्की होती है और ऊपर उठने लगती है तो वहां पर लो प्रेशर हो जाता है, राइट, वहां पे लो प्रेशर हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, कि जहां पे हाई प्रेशर है, जहां पे हाई टेम्परेचर है तो वहां पर लो प्रेशर है, और जहां पर लो टेम्परेचर है वहां पर हाई प्रेशर है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है
कि आपका जो ट्रॉपिकल रीजन में जो डिजर्ट रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर हाई प्रेशर क्यों है, दैट इज द माई क्वेश्चन। आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर तो लो होना चाहिए, पर ट्रॉपिकल रीजन में जो भी आपके डिजर्ट मिलेंगे वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट वहां पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो व्हाट विल बी द रीजन, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो इसको आप लोग बताइएगा जरूर कि डिजर्ट इकोसिस्टम में मैं बता रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजन है। ओके, इसको बताइएगा, सोच करके बताइएगा कि क्या इसका रीजन है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, बट टेम्परेचर जो ट्रॉपिकल डिजर्ट होते हैं वहां पे हाई टेम्परेचर होकर भी हाई प्रेशर होता है, तो व्हाट इज द रीजन, ओशियन करेंट्स मेन रीजन बताइए, आप मेन रीजन बताइए एकता जी कि व्हाट इज द मेन रीजन। ओशियन करेंट विल बी वन ऑफ द फैक्टर आप बोल सकते हैं, बट एक और बड़ा रीजन है वो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, ये आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, मैं अभी बताता हूं आपको ये वाला डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, अभी बताऊंगा आपको, डिजर्ट प्लांट्स होते हैं अंडर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस होते हैं, तो ये कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को कंजर्व कैसे करेंगे, ये कुछ मेथड्स है, यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स सारे डाल दिए हैं कि जो डिजर्ट रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा हॉट रीजन है, बहुत ज्यादा हॉट रीजन है और बहुत ज्यादा वो पानी बहुत कमी है, तो वहां जो प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। दे आर मोस्टली श्रब्स है, लीव्स वहां पे ज्यादातर अब्सेंट है। आपको मालूम होगा कि जो लीव्स होते हैं जैसे ब्रॉड लीव्स होते हैं, जितनी लीव्स क्या करती हैं, इवेपोरेशन, मतलब लीव्स क्या करती है कि एक तो वाटर को कंज्यूम करती है और वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स से ऊपर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वाटर लीव्स से पत्ते से इवेपोरेट हो जाएगा, तो जब लीव्स रहेगा ही नहीं या बिल्कुल कम लीव्स रहेगा तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, इन दैट केस आपका अब्सेंट हो जाएगा। ओके, दूसरा वही सारी चीजें हैं कि लीव्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग इस पॉइंट्स को देख लीजिएगा, जो स्टीम प्लांट्स, ये सारे कंडीशन जिसकी वजह से वो पानी को सेव करते हैं, रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होता है, बहुत नीचे तक रूट सिस्टम डेवलप होता है ताकि, और काफी फैला होता है, मेनली काफी फैला होता है ताकि वो अपना कहीं ना कहीं से मैक्सिमम एरिया से कवरेज कर सके जो इनको वाटर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मेथड है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि कैसे प्लांट कंजर्व करते हैं वाटर, तो ये दीज आर मेथड्स, यू हैव टू नो अबाउट इट। उसके अलावा कुछ एनिमल्स पे भी क्वेश्चन पूछा है कि जो एनिमल्स के बिहेवियर होते हैं वो भी डिजर्ट कंडीशन में अलग हो जाते हैं, वो अपना नए कंडीशन में एडॉप्ट कर लेते हैं, तो पहली चीज तो दे आर फास्ट रनर हो गया, नॉक्टर्नल इनहैबिट हो गया, मतलब सन की हीट से बचने के लिए ज्यादातर वो लोग रात्रिचर होते हैं, रात्रि में वो करते हैं। देखो उसका जो एक मैं अभी बताता हूं आपको, जो वो फॉरेस्ट वाला जो मैं आपको पूछा था, जो डिजर्ट वाला पूछा था, बेसिकली एक होता है आपका ऊपर चलता है, क्या चलता है ऊपर, जेट स्ट्रीम, जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होते हैं दैट इज द रीजन, वो रीजन है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है, वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हॉट जो रीजन होते हैं, हॉट ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पर हाई प्रेशर होता है, तो वो हम बताते हैं, वो यहां पर आपको बताते हैं, एक मिनट यहां पे आपको समझा देते हैं। एक मैंने जेट स्ट्रीम पर भी मैं एक क्लास लूंगा तो उस पर आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग जेट स्ट्रीम जो ट्रॉपिकल रीजन में कुछ हाइट पर अर्थ से जेट स्ट्रीम फ्लो करते हैं उस पर डिटेल में समझाऊंगा, जो इनका फ्लो होता है वो ऐसे भी फ्लो करते हैं और आगे की तरफ भी है, मतलब ये स्ट्रीम होते हैं, विंड्स फ्लो करती है ट्रॉपिकल रीजन में एट पर्टिकुलर हाइट पे, उसको हम लोग वेस्टर्लीज भी बोलते हैं, किसी ने कमेंट भी किया था वेस्टर्लीज,
तो उसको बेसिकली ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल वेस्टर्नलीज होते हैं, जो जेट स्ट्रीम होते हैं, जेट स्ट्रीम का मूवमेंट कुछ ऐसे होता है, राइट, कुछ जेट स्ट्रीम का मूवमेंट ऐसे होता है। तो ये जो रीजन होता है, एक ये रीजन होता है, एक आपका हाई रीजन होता है, ये रिज हुआ, और एक आपका जो नीचे वाला रीजन हुआ, दैट इज बॉटम। तो यहां वाला रीजन क्या होता है, ये वाला जो रीजन होता है, यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर। हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे किसी दिन। और उसके ठीक नीचे जो लैंड है वहां पर लो प्रेशर होता है, और ये वाला जो रीजन होता है ये आपका लो प्रेशर होता है, और उसके ठीक नीचे जो लैंड है वहां पर हाई प्रेशर होता है। तो गाइस होता क्या है कि कुछ इस ढंग से ये जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, तो अब वो कुछ हाइट पे फ्लो कर रही है, तो जहां पर ये ऐसा, जहां पर ये कर्व बनता है, जहां पर ये वाला रीजन आ जाता है, ऐसा रीजन आ जाता है, उसके ठीक नीचे लो प्रेशर आ जाता है, और जहां पर ये रीजन आ जाता है उसके ठीक नीचे आपका हाई प्रेशर आ जाता है। तो जो ट्रॉपिकल डिजर्ट होते हैं वहां पर इस ढंग से जेट स्ट्रीम, ये वाला पार्ट उसका यहां पर पड़ता है। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन। बाकी अदर भी फैक्टर्स हैं, वो हम लोग एक टॉपिक लेंगे जेट स्ट्रीम, उसको किसी दिन मैं एक टॉपिक अलग से लेके जेट स्ट्रीम के पूरे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। अभी के लिए आपको एक बड़ा फैक्टर था ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, वो है वन ऑफ द मेन फैक्टर। इसके अलावा यस, आपका करंट भी है और अदर थिंग भी है, वो भी है। तो ये आपका डिजर्ट इकोसिस्टम हुआ, इसमें हर देख रहे हो रात्रिचर अपने आप को सन से बचाने के लिए ये करते हैं। जो आपका लिजार्ड्स वगैरह रहते हैं वो कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज हो सकता है। लॉन्ग जो एनिमल्स एंड बर्ड होते हैं उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट हॉट ग्राउंड। डिजर्ट रीजन में ज्यादातर जो आपको एनिमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, उनके जो पैर होंगे वो काफी आपके बड़े मिलेंगे, तो काफी आपके बड़े मिलते हैं, ताकि वो पतले से बड़े लंबे होते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया कम कवर हो, ताकि हार्ड ग्राउंड को कम से कम बॉडी से टच रखे। जब हार्ड ग्राउंड कम बॉडी से टच होगा तो वो उनके लिए हार्मफुल होने से बचाए। नो, जो सार्थक जो मेन रीजन था वो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो आपका अभी इक्ता जी ने अभी वो कमेंट किया था उसपे, जो करंट वगैरह वो भी फैक्टर्स हैं। जो शेप ऑफ अर्थ का जो मेन फैक्टर्स होता है वो हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली वो विंड की डायरेक्शन को शो करती है, कोरिओलिस फोर्स को बताती है कि कितना फोर्स लग रहा है। विंड की डायरेक्शन वेस्टर्लीज है। जो मेन फैक्टर होता है वो आपका जेट स्ट्रीम है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, फिर बाकी सब अदर्स फैक्टर्स है। तो ये आपका डिजर्ट हुआ, उसमें इंडियन डिजर्ट को दो पार्ट में कर लेते हैं। एक आपका थर्ड डिजर्ट हो गया, थर्ड वाला जो रीजन हो गया, ये रीजन आपका इंडियन डिजर्ट का, ये थर्ड डिजर्ट हुआ। दूसरा एक आपका कोल्ड डिजर्ट है, तो एक आपका थर्ड डिजर्ट हो गया, ये पूरा रीजन थर्ड डिजर्ट हुआ, और दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये कोल्ड रिजल्ट है। तो एक वहां पर इफ्रेनल्स होते हैं, एक आपका रेन पेरेनियल्स होते हैं, जो मतलब दो तरह के वो डिपेंड्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं वहां पर। जो आपका रेन पेरिनल्स होते हैं ये ज्यादातर अंडरग्राउंड रहते हैं, जब बारिश होती है तभी नजर आते हैं, और इफ्रेनल आपका मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर विजिबल। ये मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये आपके कौन कौन से फना है यहाँ पर, अगर इंडियन बात करें तो ब्लैक बक हो गया, वाइल्ड एश हो गया, चिंकारा हो गया, सैंड ग्रूस हो गया, ये डिजर्ट फॉक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके फना यहाँ पर जो डिजर्ट रीजन है। जो आपका थर्ड डिजर्ट है, जो उधर राजस्थान और जो उधर गुजरात वाला एरियाज है वहां पर आपका ये रीजन होगा। आपका जो लेह लद्दाख, जो लद्दाख की बात उधर का करते हैं, वो कोल्ड डिजर्ट है, वो आपका टेम्परेट डिजर्ट है। वहां पर आपको वहां की खासियत पता है क्या होता है, वहां का खासियत ये है ना कि टेम्परेचर सडन डाउन होता है, मतलब जो धूप भी आपकी काफी, क्योंकि एक हाइट पर है तो सन रेज ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आती है, तो आपको सन रेज भी तेजी से आपके ऊपर लगेगा। और इन द सेम सेंस आपका जो जब शाम होगी, इवनिंग रात होगी, तो बहुत तेजी से टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो ये आपका कोल्ड रीजन, जो आपका वो लद्दाख रीजन हो गया, ले रीजन हो गया, कारगिल हो गया, स्पीति वैली, दैट कम है इन अ कोल्ड रीजन। ये आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका वहां का वो है कोल्ड रीजन। ये सारे कंडीशंस हैं, ये आप लोग कंडीशंस देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीवियर एरिड कंडीशंस हैं, डिजर्ट है तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या है कि अगर
ड्राई थार डिजर्ट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और अगर कोल्ड डिजर्ट है तो टेम्परेचर बहुत कम है, विंटर में तो -50 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है। मानसून रेनफॉल बहुत कम होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ये सारे सॉइल के टाइप है, मोस्टली एल्काइन सॉइल होता है आपका, सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये हार्श कंडीशंस होते हैं। सॉइल की लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। अच्छा, तो कोल्ड डिजर्ट में अगर हम पूछें कि क्या बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे एशियाटिक, ये आइवेक्स हो गया, ये उरियाल, भराल, तिब्बतन, एंटीलेप जिसको हम चीरू भी बोलते हैं, तिब्बतन वाइल्ड एस होता है, ब्राउन बियर्स होते हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं, ये सारे के सारे आपको कोल्ड डिजर्ट में मिलेंगे। तो कोल्ड डिजर्ट बेसिकली उसमें एक कुछ हाइट पे होगा तो उसको हम एल्पाइन बोल देते हैं, और जो आपका उस पे होगा ग्राउंड पे उसको डिजर्ट बोल देते हैं। तो ये सारे मेन पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पर ये है ड्राई टेम्परेचर जोन है, ये बेतुला हो गया, ये आपका जूनिपर ब्रिज हो गया, ये सारे के सारे आपके ये डिजर्ट हो गए। अब एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, वो क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछ रखा है, आई थिंक कहीं ना कहीं आया हुआ है, कि ये कहां पर, ये जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, इन चारों में से किसका होम है, वहीं पर ये पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुनीम, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया हूं, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको पीडीएफ दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने जो समझाने वाली चीजें थी उसको एक्सप्लेन की है, जो कुछ चीजें हमको लगता है कि आप लोग इजीली वे में उसको पढ़ लेंगे तो एक ही पॉइंट में समझ जाएंगे, तो वो कर सकते हैं, ताकि आपका एक तरह से ये जो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम है ये कंप्लीट हो। तो इस पे आप क्वेश्चन सार्थक ने ऑप्शन बी बताया है, यस एनी अदर वन, कोई और कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। इसी ढंग के क्वेश्चन पूछता है, गाइस जो मैंने ईरान भरोसा वाली जो पहला टेबल दिया है ना, उस टेबल में मैंने सारे वो लिखे हुए हैं कि कहां पर किस ढंग के, उस पर लिखा हुआ है कि कहां पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से समझ लो कि घरे होम है, बिल्कुल सही आपने बताया, एकता सी, ध्रुवांशु बी, तो इसका आंसर एक्चुअली है बी, इंडियन वाइल्ड एश है। ये आपका क्या है, लिटिल रन ऑफ कच्छ है, तो आप लोग पता ही होगा लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, नहीं है तो फटाफट कमेंट कीजिए। ये देखिए वहां पर इंडियन वाइल्ड एश का होम है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और डिजर्टिफिकेशन आप लोग समझ लीजिए, डिजर्टिफिकेशन तो पता ही होगा कि जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन लीड टू डिजर्टिफिकेशन, जब ज्यादा से ज्यादा आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को हटाएंगे, तो क्या होगा कि वो लीड टू डिजर्टिफिकेशन होगा। डिजर्टिफिकेशन के बहुत से फैक्टर्स हैं, डिजर्टिफिकेशन के फैक्टर्स आपका ड्रॉट है, रेनफॉल वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर, यस यू आर राइट मुनीम बी, तो डिजर्टिफिकेशन हो गया, ये पॉइंट्स है, बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि डिजर्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे डिजर्ट है, जब उसका रेट बढ़ता जा रहा है, उस डिजर्टिफिकेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया, जैसे ये एरिया डिजर्ट है, अब ये क्या कर रहा है कि अपने पास का एरिया जो सेमी एरिड रीजन है उसको भी डिजर्ट बना रहा है, तो दैट इज डिजर्टिफिकेशन, एक तरह से फैलाव हो रहा है, तो दैट इज डिजर्टिफिकेशन। ये आप देख रहे होंगे, ये डिजर्टिफिकेशन है। रीजन आपको बहुत से रीजन मालूम ही है, डिफॉरेस्टेशन ये हो गया, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ वगैरह की कटाई कर रहे हैं, ताकि आपका जो इरोजन तेजी से हो रहा है, और पॉपुलेशन वगैरह, मेनली पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो माइंस एक्टिविटी, दीज आर ऑल द रीजन ऑफ द डिजर्टिफिकेशन। यस, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, बिल्कुल आपने करेक्ट बताया। फिर इंडिया का जो मेरा बताने का सिर्फ मतलब ये था कि जो डिजर्टिफिकेशन है, एक ये दे रखा है जो कि डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2007 है, अभी ये 2007 का रिपोर्ट है आपका, जो इससे ज्यादा जो बड़ा वाला रिपोर्ट मतलब लेटेस्ट वाला होगा उस पे लाएंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा। अभी इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो परसेंटेज ऑफ कंट्री अंदर ड्राई लैंड है वो 69.6% है, वो ड्राई लैंड में है। टोटल एरिया अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब इनफर्टाइल की तरफ जो बढ़ रहा है,
वो 105.48 मिलियन हेक्टेयर्स है और ये 32% आपका इंडिया के टोटल लैंड को कंट्रीब्यूट करता है। तो 32% को कंट्रीब्यूट करता है ये आपका जो डिजर्टिफिकेशन है, और 81.4 मिलियन हेक्टेयर्स है जो अंडर डिजर्टिफिकेशन है। तो ये कुछ एक फैक्ट था, ये सारे मेजर्स हैं आप लोगों का, हम लोग जब स्कीम इससे रिलेटेड करेंगे तो ये सारे मेजर्स हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया, वाटरशेड डिफरेंट प्रोग्राम है, फिर आपका एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हुआ, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हुआ, जो एमजी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सारी चीजें हो गई, ये डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अल्टीमेटली ये लैंड डिग्रेडेशन को कम करने की बात करता है, डिफॉरेस्टेशन को कम करने की बात करता है, राइट। तो ये आपके कंट्रोल मेजर्स हो गए, प्लांट्स आप लोग लगाइए उससे ज्यादा आपका डिग्रेडेशन। एफॉरेस्टेशन तो मैंने बताया कि जो पेड़ जितना ज्यादा लगाएंगे दैट इज आपका एफॉरेस्टेशन। अच्छा, इसी पर एक क्वेश्चन है जो कि पूछा था आप लोग, इससे एक टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन का कोई अगर जवाब दे सके तो बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Anyone can give answer? कोई तो आंसर दो आप लोगों में से। मुनीब एकता सार्थक, ओके। मुनीब बी, विकास डी, लेख ए, उमर ए, ध्रुवांशु डी। एनी अदर वन? अमित सी, ओके। ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला, इस पे दूसरे ढंग से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये यूपीपीसीएस में डायरेक्ट दिया है तो ये मैंने दिया। ओके, विकास नीचे, अमित सी, एनी अदर वन? कोई और ऑप्शन कोई बताना चाहे तो बता सकता है, इससे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, राइट। तो बताता हूं मैं, एक्चुअली एक टर्म है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। What is the ecological footprint? ये एक टॉपिक छूटा हुआ था, ये हम लोग जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम, राइट। अर्थ इकोसिस्टम पे कितना ह्यूमन का डिमांड है, कितना ह्यूमन को डिमांड है, कितना उसको चाहिए, क्या किस चीज का उसको डिमांड होगा, सारी चीजों का जो उसको सस्टेनेबल, जो उसको आपको एक तरह से जो आपने अभी नीचे बोला, जो आपने अभी नीश बोला, वो जितने जो बायोकेमिकल जो भी फैक्टर्स हैं उसके लिए जो सारी चीजें चाहिए, वो जो डिमांड को फुलफिल करने का जो तरीका है, उसको जो मेजर करने का तरीका है, उसको हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ डिमांड फॉर नेचुरल कैपिटल That may be contrasted with the plant's ecological capacity to regenerate. आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई ह्यूमन है, ह्यूमन सबसे बड़ा शेयर अगर हम अर्थ की बात कर लें तो एक तरह से ह्यूमन को ही है, वो अपने अकॉर्डिंग वो डिमांड क्रिएट करता है, जहां मन होता है डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जहां एफॉरेस्टेशन। तो अर्थ की जितनी इकोलॉजिकल कैपेसिटी है, अर्थ की जितनी प्लैनेट की जितनी इकोलॉजिकल कैपेसिटी जनरेट करने की है, उसमें से कितना जो आपका जो ह्यूमन की कितनी डिमांड है, ह्यूमन की ऐसा डिमांड हो सकता है कि ह्यूमन की डिमांड ज्यादा हो कंपेयर टू जो अर्थ की डिमांड देने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसको मेजर करता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग पीपल नीड टू सस्टेन देयर लाइफ। सस्टेन आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर, केवल अपना ही विकास ना देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनका भी वो लोग
वो कर सके। तो ये सारी चीजें आपकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, समझ में आ रहा होगा। इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, इट्स यूनिट इज ग्लोबल हेक्टेयर। तो ये क्वेश्चन था कि मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो एक एरिया के टर्म में हुआ आपका, जो अलग अलग डिमांड्स है, फूड भी हो गया, वेजिटेशन भी हो गया, ये ग्लोबल हेक्टेयर्स है, इसकी यूनिट ग्लोबल हेक्टेयर्स है। तो मतलब इसकी यूनिट एरिया है, आप लोग समझ रहे होंगे, इसकी यूनिट एरिया है। तो एरिया के टर्म में जो यूनिट है वो आपका ये टर्म है। तो इसलिए इसका आंसर होगा या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये है। मैं बताता हूं फिर से, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन का एक एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन को चाहिए फूड, राइट, ह्यूमन को चाहिए फूड। तो ह्यूमन को फूड कहां से मिलेगा, या तो वो कार्निवोर्स को पकड़े, हर्बीवोर्स को पकड़े, राइट, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को पकड़े, या तो डायरेक्टली जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है प्लांट को पकड़े। अब आपका जो कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, वो भी अल्टीमेटली जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है प्लांट का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन की फूड की नीड है वो कहां से कंप्लीट होगी, ये प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना प्लांट्स, कितने नंबर्स आप प्लांट्स है, कितने एरिया में नंबर आप प्लांट्स है और कितना फूड प्रोडक्शन कर रहा है। तो जो ह्यूमन की जो डिमांड है, ह्यूमन की फूड की डिमांड है, वो फुलफिल कौन कर रहा है, वो प्लांट्स फुलफिल कर रहा है। और कितना आप, जैसे कोई प्लांट्स है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, इन शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे प्लांट है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो एक कोई गिवन एरिया है उसमें कितने प्लांट्स रख दीजिए, कितने प्लांट्स वहां पर मौजूद है जिससे ह्यूमन की फूड की नीड पूरी हो जाए। तो दैट इज एक एग्जांपल लिया, दैट इज आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये मेजर करता है कि ह्यूमन की डिमांड कितनी है ऑन अर्थ इकोसिस्टम, ह्यूमन की फूड की डिमांड हो गई। जो आपका नीचे है जिसको हम लोग नीच भी बोलते हैं, मुझे लग रहा होगा भाई ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट समझ में आ गया होगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक तरह से जो ह्यूमन की डिमांड है, और ह्यूमन की डिमांड एक एक जैसे फूड है, फूड कहां से मिलेगा, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं कहां से मिलेगा, इसीलिए इसकी यूनिट को ग्लोबल हेक्टेयर बताया गया है, इसकी यूनिट्स को हम लोग ग्लोबल हेक्टेयर्स बताते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। जो नीश है, चूंकि नीश है, नीचे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। नीश या नीचे का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कौआ है, ठीक है, क्रो है, क्रो का एक घोंसला है, नेस्ट है, तो क्रो को नेस्ट है, क्रो को रहना है, तो क्रो ने अपना क्या किया, नेस्ट बनाया, घोंसला बनाया। क्रो को खाना बनाना है, क्रो को खाना खाना है, तो क्रो अपना क्या करेगा, फूड जनरेट करेगा, फूड चाहे वो किसी दूसरे प्लांट को खा करके कहीं से वो करे। क्रो है वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपना क्या करेगा, अपना जो भी रिप्रोडक्शन करेगा, जो वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई इसकी, जो इसकी फिजिकल जो एक्टिविटी हो गई, जो इसकी क्या बोलते हैं केमिकल एक्टिविटी हो गई, तो ये इन पूरे के डिस्क्रिप्शन को हम लोग नीच कहते हैं, इन पूरे डिस्क्रिप्शन को हम लोग नीचे कहते हैं। तो आप लोग अगर और समझना होगा तो नीचे वाला जो टॉपिक हमने आई थिंक जो फर्स्ट जो मैंने लेक्चर लिया था उस पे कंप्लीट है, वहां से आप लोग वो नीचे या नीश को देख सकते हैं, वहां पर मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, उसको कवर किया है। तो दैट इज नीचे या नीश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और एक बहुत ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जो आप यूट्रोफिक की बात कर रहे थे, हम लोग अभी एल्गल ब्लूम के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो साइंटिफिक टर्म होता है एल्गल ब्लूम का, वो आपका यूट्रोफिक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ये अगले जो अभी अभी एक्वेटिक इकोसिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे, वो यहाँ पर। तो गाइज ये पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, अभी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो मैं कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी वो भी काफी बड़ा है, तो एक घंटे कम से कम उसमें भी पूरे कवर करने में लग सकते हैं, उससे कुछ और रिलेटेड टर्म है उसको कवर करने में। तो ये पूरा पॉइंट्स रहा, आप लोग गाइस GS10 का यूज कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, आप प्लस कोर्स पे आइए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर हो तो यू कैन आस्क मी,
मैं 24x7 आपके साथ हूँ, और साथ में केवल मेरे साथ ही नहीं, आप ये लोग ये कोड यूज करते हैं तो आप जितने भी फैकल्टीज हैं, चाहे वो प्री का कोर्स हो, मेंस का कोर्स हो, सारे कोर्स के लिए वो उपलब्ध है। यस शिव, इसका आंसर ये होगा, एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क, आपको अगर कहीं पर कोई डाउट्स हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स, एनीवन, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। ये आपका टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक है वहां से, आप जाइएगा टेलीग्राम पे, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट्स हो आप टेक्स्ट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, चाहे रिगार्डिंग आपकी जो ये स्टडी हम लोग कर रहे हैं, या फिर आप रिगार्डिंग, यस आई विल कवर एनसीईआरटी, डोंट वरी आई विल कवर।